मेरी आवाज आ रही है सारे बच्चों को? देखो जरा एक बार, आप मुझे बताइए सभी को मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है मेरे बच्चों सबको? जल्दी बताइए। सबको आवाज आ रही है ना मेरी? चलिए, तो मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूँ रिजल्ट मित्रा चैनल पे इंग्लिश के लिए। मैं मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं, मेरी जो क्लासेस इस चैनल पर लगी हैं या मैं आप लोगों के लिए आया हूँ स्पेशली, मेरी कल सुनील सर से बात हुई, उन्होंने बताया कि सर इंग्लिश के लिए, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड भी आ रही थी कल, इवन सर अनाउंसमेंट हो चुका था। तो आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश की बिल्कुल क्लास, इंग्लिश की जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल बेसिक लेकर आए हैं कि कोई भी बच्चा जो कभी कितना भी बेसिक हो, कभी भी कितनी भी उसको प्रॉब्लम है इंग्लिश को, तो उसे हम बिल्कुल बेसिक से क्लियर करेंगे। जैसे कि मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर इंग्लिश की जो क्लासेज हैं वो ऑल एग्जाम्स के लिए करी गई हैं, कि ये इसमें पूरा कंप्लीट सेगमेंट्स कराएंगे हम बेसिक टू एडवांस लेवल के लिए। तो उसमें किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं होगा कि भाई ये एक ही एग्जाम ओरिएंटेड होगा, इसमें हम सारे एग्जाम ओरिएंटेड के लेके चलेंगे उसके अंदर से। ठीक है, तो सभी को मेरी आवाज आ रही है मेरे बच्चों? ठीक है जी, सभी को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स बेसिक टू एडवांस, हम इसमें जो जा रहे हैं मेरे बच्चे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे हम उसके अंदर। चलो तो नाउ लेट्स वी हैव टू स्टार्ट मेरे बच्चों। ठीक है, मेरा नाम पुष्पेंद्र गौड़ है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रिजल्ट मित्रा पे एक अच्छी सी क्लास। इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश में हमें सबसे पहले देखना होगा, थोड़ी थोड़ी चीजों को करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजों को सीखेंगे भी हम उसके अंदर। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक बात कही यहां पर, आज की जो क्लास है वो किसकी है मेरे बच्चों? इंग्लिश की। ठीक है, तो इंग्लिश सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मेरे बच्चे कि इंग्लिश है क्या, क्या चीज है इंग्लिश, किस चीज पे काम करती है, क्या क्या सेगमेंट्स है उस पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे बच्चे कि इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? भाषा। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा। अच्छा, भाषा क्या करती है, कोई बताएगा मुझे? जी, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा कि भाषा क्या करती है, भाषा का क्या काम होता है मेरे बच्चे? जी, कोई गुड मॉर्निंग अब इस टाइम पे, गुड इवनिंग नहीं। अब मेरे बच्चों सिर्फ जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आप मुझे बता दे जाइए, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते चले जाएंगे जी। जैसे सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि भी इंग्लिश क्या है, वो एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। भाषा क्या करती है? भाषा का एक सिंपल सा काम होता है मेरे बच्चों कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम। लैंग्वेज क्या है मेरे बच्चे? ये सिस्टम है इन विच समवन कन्वे। जी, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ सिस्टम इन विच समवन कन्वे। जी, समवन कन्वेज हिज फीलिंग इमोशन। ठीक है, समवन कन्वेज हिज फीलिंग इमोशंस। ठीक है, एंड expressions जी with others जी, जिसमें कोई भी है person अपनी भाषा, अपनी feeling को, अपने emotions को, अपने expressions को दूसरे लोगों के सामने represent करता है। For example, ये है राम। ठीक है, ये है राम और ये है करण। अब राम के दिमाग में कोई बात चल रही है, कोई उसकी मीनिंग, उसका कोई फीलिंग है, कोई एक्सप्रेशंस है, कोई वो मैसेज है उसके दिमाग में, कोई पॉइंट है उसके दिमाग में, उसे वो किस तक पहुंचाना चाहता है? करण तक पहुंचाना चाहता है।
तो वो जिन भी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक भाषा के, एक लैंग्वेज के हिस्से हैं। किसके हिस्से मेरे बच्चे? लैंग्वेज के हिस्से हैं, भाषा के हिस्से हैं। मैंने कोई भी बात करी आपसे, मैं अब देखो जैसे कि अब मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं, तो मैं आप लोगों के सामने खड़े होकर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप जिस वे में समझ रहे हैं उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं। भाई आपको हिंदी आती है, मुझे भी हिंदी आती है, तो मैं इंग्लिश को हिंदी के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या कर रहा हूं मैं भाई, जैसे कि मैं यहां पर कौन हूं, मैं एक सेंडर हूं, आप कौन है मेरे बच्चे? आप रिसीवर हैं। मेरे मन में जो बात है मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आप तक वो पहुंचाने का जो सिस्टम है, जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरा का पूरा किसका है हमारा मेरे बच्चे? लैंग्वेज का है। तो हम भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे? भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए मेरे बच्चों, ठीक है? तो ये एक भाषा की तरह, हम इंग्लिश को जो सीखेंगे मेरे बच्चे वो भाषा की तरह सीखेंगे, कि भाई एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को हमेशा सीखा जाता है, और जो भी लैंग्वेज होती है उसको एक सिस्टम होता है, उसको सीखा जाता है बच्चों। अब यहां पर जैसे कि राम ने कोई बात कही, तो वो जो भाषा के अंदर जितने भी हम शब्दों का चयन करेंगे, वो जो लैंग्वेज पार्ट कहलाएगा, वो सब कुछ हमारा कहलाता है मेरे बच्चे स्पीच। आपके नाम आता है ना बार बार में पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच क्या है? मैंने आपसे कोई बात बोली, वो बात आपने उसको क्या करा, डिकोड किया, आपने उसका मतलब निकाला, तभी तो मेरा मैसेज आप तक कन्वे हुआ, आपको पता लगा ना। तो कब, लेकिन कब डिकोड कर पाए? क्योंकि जब आप उसी भाषा को जानते हैं तब आप उसको कर पाए। अगर आप उस शब्दों को, उन भाषा को नहीं जानते तो आप उनको डिकोड नहीं कर पाते और आप अपना मैसेज मुझ तक कन्वे नहीं कर सकते थे। तो सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई हम लैंग्वेज को सीख रहे हैं, हमें इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेंगे हम, ठीक है? चलो अब यहां पर एक चीज और आती है मेरे बच्चों, समझो, ठीक है ना? जैसे कि देखो मेरे, अब मेरी क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वो सब अलग अलग जगह से हैं, है ना? कोई हरियाणा से है, कोई बिहार से है, कोई कहीं से भी है, सब अलग अलग जगह से है बच्चों, है ना? जब अलग अलग जगह से हैं तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आता है मेरे बच्चों, लैंग्वेज और डायलेक्ट। डायलेक्ट को बोलते हैं मेरे बच्चे बोली। अभी हम इंग्लिश पे ही आएंगे, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमें क्या चीज सीखनी है, कैसे सीखनी है, ठीक है? तो लैंग्वेज तो हमारी होती है मेरे बच्चे भाषा, डायलेक्ट होती है हमारे बच्चे बोली। अब जैसे कि मेरी क्लास में अलग अलग जगह से बच्चा है, देखो अलग अलग जगह से बच्चा है, हाँ अलग अलग जगह से बच्चा है, अलग अलग, ठीक है बच्चों मैं इसको बड़ा कर देता हूं, मैं कोई बात नहीं, ठीक है? तो कोई बच्चा, देखो बच्चा इसमें मिस्टर पंकज है वो लिख रहे हैं मैं कानपुर से हूं, कोई बच्चा कहीं और से है, कोई बच्चा कहीं और से है, कोई बच्चा, सब अलग अलग जगह से है। तो जब मेरे बच्चों, जब आप अपने अपने घर जाते हो, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, मैं बुलंदशहर से हूं, आप पंजाब से हैं, कोई कहीं से है, कोई कहीं से, तो जब आप अपने अपने घर जाते हैं तो वहां पर जिस भी भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं, जिस भी कॉन्सेप्ट, जिसे हम मदर टंग बोलते हैं, यानी कि एमटी बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक छोटी सी एक बात कही, मैंने एक भाषा का इस्तेमाल, मैंने बोला इंग्लिश में मुझे कहीं अंदर आना है, तो मैं यहां पर बोलता हूं मे आई कम इन सर, ठीक है? मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ठीक है? अब कानपुर वाला भाई इसी को दूसरी भाषा में बोलेगा, मेरे हमारे बागपत बड़ोत वाला भाई इसी चीज को बोलेगा बड़ों के मास्टर जी अंदर को। तो अब जो वो जिन शब्दों का चयन वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में कर रहा है, इसमें कर रहा है मेरे बच्चे अपने क्षेत्रीय में, जैसे कानपुर वाला कानपुर की तरह कर रहा है, लखनऊ वाला लखनऊ वाले मिजाज में कर रहा है, हरिद्वार वाला हरिद्वार वाले मिजाज में कर रहा है, आपका जो है राजस्थान वाला भाई मेरा राजस्थान वाले भाषा में कर रहा है। तो वो जो अपने क्षेत्र की इस्तेमाल कर रहा है बच्चों, उसे हम कहते हैं वर्नाकुलर, उसे हम कहते हैं डायलेक्ट,
क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, हम उसे डायलेक्ट बोलते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे डायलेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो डायलेक्ट में और वर्नाकुलर में, एमटीआई में, इवन इसे हम बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज, है ना। तो होता क्या है मेरे बच्चे कि दोनों में फर्क है। जो अब जैसे आपने ये जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जब आपने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया तो वहां पर आपने देखा कि भाई आपने एक फॉर्मल वे में उसका इस्तेमाल किया बेटा। आपने किसमें इस्तेमाल किया बेटा उसको, ठीक है, आपने जो उसे इस्तेमाल किया बेटा, किसमें इस्तेमाल किया आपने उसको, एक फॉर्मल वे में इस्तेमाल किया बेटा। ठीक है, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसी चीज को यहां, मैंने अपने बड़ौत वाले भाई, मैंने अपने, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड बच्चों, ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक है। तो आपने जब उसको देखा तो मेरे जो बड़ौत वाला भाई था उसने कैसे बोला, मास्टर जी अंदर आ जाऊं क्या। अब समझो बच्चों, तो जो भी चीज आप अपने घर में, कानपुर के अंदर, बागपत के अंदर, बुलंदशहर के अंदर, अपने जो भी क्षेत्रीय ब्रज के अंदर, कहीं पे भी जिस भी भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं वो हमारी डायलेक्ट कहलाती है, ठीक है। और जो भी चीज आप एक फॉर्मल वे में इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं या हिंदी का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप एक फॉर्मल वे में इस्तेमाल करते हैं वो भाषा कहलाती है। ये मुझे आपको इसलिए समझाना पड़ रहा है बच्चों, अभी हम इंग्लिश पे आएंगे तो हमें इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह सीखना है, क्योंकि जो भी लैंग्वेज होती है वो हमारी फॉर्मल वे में जाएगी बच्चों, जबकि जो डायलेक्ट है, डायलेक्ट जो है उसकी कोई वे नहीं है। आप उसे, ये क्या होती है हमारी, ये नॉन स्टैंडर्ड है जी, क्योंकि डायलेक्ट जो होती है मेरे बच्चे वो बिल्कुल कोई स्टैंडर्ड नहीं होता उसका, ठीक है। दूसरा, जितनी भी डायलेक्ट हैं उनकी स्क्रिप्ट नहीं होती है, कोई भी स्क्रिप्ट इनकी नहीं होती है। आप इनका इस्तेमाल सिर्फ ओरल में कर सकते हैं, सिर्फ ओरल में कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल आप कहीं पे भी रिटन में नहीं कर सकते हैं। आप सबसे बड़ी बात एक और बच्चे, किसी भी ऑफिस में अगर आप जाएंगे तो इनका इस्तेमाल नहीं होता है। ऑफिस के अंदर अगर मैं बात करूं, ऑफिस में जो इस्तेमाल होती है मेरे बच्चे, जैसे फॉर्मल है, दूसरा जो भी लैंग्वेज होती है उसकी अपनी स्क्रिप्ट होती है, उसकी अपनी क्या होती है मेरे बच्चे, स्क्रिप्ट होती है। कैसे भी लैंग्वेज को आप करेंगे, कोई भी, हिंदी है तो हिंदी की देवनागरी है, इंग्लिश है तो इंग्लिश की रोमन है, ठीक है ना। स्क्रिप्ट होगी तो अपनी क्या होगी, ग्रामर, अपनी क्या होगी, ग्रामर होगी। ग्रामर होगी तो बेटा अपने उसके रूल होंगे, ठीक है, अपने उसके क्या होंगे बच्चे, रूल होंगे। जबकि ये सब चीजें हमारी डायलेक्ट में नहीं होती हैं, क्योंकि डायलेक्ट का जो एरिया होता है वो छोटा सा होता है। अब जैसे कानपुर वाले मेरे भैया हैं तो वो सिर्फ जो अपनी कानपुरिया है उसे कहां इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ कानपुर में, अपने क्षेत्र में, लेकिन अपने ऑफिस में तो नहीं करते। अगर वो दिल्ली या नोएडा के किसी ऑफिस में काम करते तो वहां तो इस्तेमाल नहीं करते, वहां तो उन्हें बिल्कुल, जी सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, क्या मैं बैठ सकता हूं सर, ऐसे बोलना पड़ता है ना, एक फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है ना, चाहे वो वहां पर हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो वहां पर इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक फॉर्मल वे में उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब हम जो सीखने के लिए आए हैं, हमें यहां पर इस डायलेक्ट को नहीं सीखना है, हमें सीखना है एक लैंग्वेज को। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर इंग्लिश के बारे में, किसके बारे में मेरे बच्चे, प्रॉपर अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इंग्लिश के बारे में। अब हमें जो करना है, सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। चलो बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश के बारे में।
सबसे पहले, क्योंकि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज है तो नॉर्मल सी बात है, फॉर्मल है, कहीं पे भी जाएंगे उसका इस्तेमाल होगा, गवर्नमेंट ऑफिस में इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है, तो लैंग्वेज है। अच्छा, इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट है, इंग्लिश की स्क्रिप्ट कौन सी है मेरे बच्चे, रोमन। हम इंग्लिश को लिखते किस में है, रोमन में। देखो मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल बेसिक से इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि मेरे इस ग्रुप में बहुत से बच्चे सीटेट के भी होंगे, बहुत से बच्चे केवीएस के भी होंगे, बहुत से बच्चे डीएसएसबी के भी होंगे, बहुत से बच्चे लिटरेचर के भी होंगे, तो क्यों ना हम एक वे में लेके चलेंगे कि इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ये, ठीक है, चलो। तो इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट है वो मेरे बच्चे क्या है, कोई बताएगा मुझे जल्दी जी, कौन सी है, रोमन है। कौन सी मेरे बच्चे, रोमन स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश की जो फैमिली है, फैमिली जो है, कोई बताएगा मुझे इंग्लिश की फैमिली, कोई बताओ मुझे जल्दी जी, बताइए आंसर, दो बेटा, दो चार बच्चे तो दो मुझे। इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट तो रोमन बता दी मैंने, इंग्लिश की जो फैमिली है वो कौन सी है जी, इंग्लिश की जो फैमिली है वो है बेटा इंडो यूरोपियन जी, इंडो यूरोपियन फैमिली है। किस फैमिली से बिलोंग करती है इंग्लिश, इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है बेटा, इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है। अच्छा, किसी ने आपसे पूछ लिया कि इंग्लिश का ग्रुप कौन सा है, ठीक है, तो इंग्लिश का जो ग्रुप है वो है जर्मनिक ग्रुप जी। इंग्लिश का ग्रुप कौन सा है बेटा, जर्मनिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है मेरे बच्चे, ये जर्मनिक, वेस्टर्न जर्मनिक ग्रुप है बच्चों। कौन सा ग्रुप है, वेस्टर्न जर्मनिक ग्रुप है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। ये तो अब हमने इंग्लिश के बारे में सीखा, क्योंकि भाषा है ना, भाषा को सीखना पड़ेगा, भाषा को सीखना है तो हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले इंग्लिश की स्क्रिप्ट कौन सी है, रोमन। इंग्लिश की फैमिली कौन सी है, इंडो यूरोपियन। इंग्लिश का ग्रुप कौन सा है, जर्मनिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है मेरे बच्चे, जर्मनिक ग्रुप। अच्छा, सबसे पहले अब हम बात करते हैं भारत में इंग्लिश कब आई जी, कोई बताएगा मुझे भारत में इंग्लिश कब आई थी, बताओ मुझे जी, भारत में इंग्लिश कब आई थी जी। भारत में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया था 17th सेंचुरी में जी, जी 17वीं शताब्दी में बच्चों, ब्रिटिशर्स के थ्रू। किसके थ्रू, ब्रिटिशर्स के थ्रू। किसके थ्रू दिया था भारत में इसको, ब्रिटिशर्स के थ्रू सर, 17वीं शताब्दी में। लेकिन आपको पता है, ठीक है, बट 17वीं शताब्दी में इसको लाया गया अंग्रेजों के द्वारा। फर्स्ट टाइम भारत में जो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया था वो 17वीं शताब्दी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था भारत के अंदर, ठीक है। लेकिन इसको भारत की कंपल्सरी एजुकेशनल लैंग्वेज के तौर पर, ठीक है, इसके तौर पे, कोई बताएगा मुझे भारत की सबसे पहले इंग्लिश कब बनी थी एजुकेशनल लैंग्वेज, बताओ जल्दी मुझे, वेट कर रहा हूं मैं आपका जी, बोलो बेटा। नहीं मेरे बच्चे, मैं जीएस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश के बारे में ही बता रहा हूं मेरे बच्चे, क्योंकि इंग्लिश के बारे में भी ये क्वेश्चंस आपके सीटेट में, डीएसएसबी में, केवीएस में पूछे गए हैं, और मेरे पास में इस बैच के अंदर सभी लेवल का बच्चा है, तो हमें एक एक चीज को लेके चलना पड़ेगा, दैट्स व्हाई, ठीक है जी। अब जैसे एक बच्चे ने आंसर दिया है, बिल्कुल इंग्लिश में को जो है भारत की जो एजुकेशनल लैंग्वेज बनाया गया था, ठीक है, इंग्लिश वॉज मेड मेड कंपल्सरी कंपल्सरी, ठीक है, कंपल्सरी किया गया था इसको। मैं दोबारा इसको काट देता हूं, एक मिनट बच्चों, इट वॉज मेड
इट वॉज मेड कंपल्सरी, ठीक है, इसे जब बनाया गया था कंपल्सरी भारत के अंदर बच्चों, हाँ बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश, बट इंग्लिश वॉज मेड कंपल्सरी लैंग्वेज, ऑफ इंडिया इन 1835, कब बेटा 1835 में, कब बेचा 1835 के अंदर इसे बनाया गया था हमारी, मींस कंपल्सरी लैंग्वेज, ठीक है, किसकी, कंपल्सरी लैंग्वेज ऑफ इंडिया एज अ, किसके लिए, एजुकेशन के लिए, किसके मीडियम के तौर पे बेटा, एजुकेशन के मीडियम के तौर पे, किसके लिए, हमारी एजुकेशन के लिए, हमारे एजुकेशन के थ्रू, और इसे किसने बताया था, आपको पता है हमारे एजुकेशन सिस्टम को किस, जी हम किसके नाम पे बार बार देते हैं, जी लॉर्ड मैकेले, हम किसको बोलते हैं बेटा बार बार, कुछ भी चीज होती है तो हम बार बार किसको बार बार बोलते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में, लॉर्ड मैकेले के बारे में बच्चों, जी तो ये 1835 में इसको बनाया गया था बच्चों, ठीक है, कंपल्सरी लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन 1835 में, किसके द्वारा, लॉर्ड मैकेले के द्वारा बच्चों, किसके द्वारा, लॉर्ड मैकेले के द्वारा बनाया गया था इसको, बिल्कुल ठीक है। हाँ बच्चों, बहुत सारे बच्चे जिनके आंसर सही आ रहे हैं, अच्छा एक बच्चे ने लिखा है सर इंग्लिश के माता पिता भी होते हैं, बिल्कुल भाई साहब अभी करेंगे बच्चों, हाँ जी ठीक है बेटा, ठीक है हाँ चलो, अब यहां तक समझ में आ गया, चलो अब इसे हम आगे ले लेते हैं, यहां तक समझ में आ गया, चलो अब इसके, इसे हम आगे कॉन्सेप्ट में सीखते हैं, अब हम सीखते हैं इसको बेटा, जैसे मैंने पहले भी कहा किसी भी भाषा का जो इस्तेमाल होता है मेरे बच्चे वो तीन तरीके से होता है, किसी भी भाषा का, हिंदी इंग्लिश किसी को भी आप अगर आप करेंगे तो उसका इस्तेमाल हमारा तीन तरीके से हो सकता है बच्चों, किसी भी भाषा का, ठीक है, कैन बी यूज्ड इन थ्री वेज, कोई भी जो भाषा है मेरे बच्चे वो तीन तरह से इस्तेमाल होती है बेटा, याद रखिए, सबसे पहला साउंड, जिसे हम कहते हैं फोनोलॉजी, जी, और दूसरा मेरे बच्चे टेक्स्ट, टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं मोर्फोलॉजी, ठीक है, और तीसरा मेरे बच्चे, हाँ तीसरा अगर आप जाएंगे तो तीसरा हमारा आता है पिक्टोरियल, पिक्टोरियल बोल सकते हैं या फिर आप इसे बोलते हैं साइन लैंग्वेज, ठीक है, तो किसी भी भाषा को बच्चों आप तीन तरह से इस्तेमाल करते हो, या तो आप उसे साउंड के तौर पे इस्तेमाल करोगे, या आप उसे टेक्स्ट के तौर पे इस्तेमाल करोगे, या आप किसी भी सेगमेंट्स में आप उसे बेटा पिक्टोरियल की तरह यूज करते हो, साइन लैंग्वेज के तौर पर यूज करते हो। अब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात, हम इंग्लिश की बात करेंगे, फोनोलॉजी की बात कर लेते हैं, मोर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आया, जल्दी बताओ बेटा, अरे बच्चे मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं बेटा मैं इसको, बिल्कुल बेसिक से, एक एक चीज क्लियर, चलो चलो ठीक है, क्लियर बेटा समानिया, ठीक है समझ रहा, आगे बढ़ते हैं हम, चलो अब हम इसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ले लेते हैं, आगे बढ़ेंगे उसके बाद में, चलो अब जब हमने साउंड की बात करी, टेक्स्ट की बात की है, तो किसी, जैसे अब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो जब आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए इंग्लिश में जो हमारे साउंड होते हैं इसमें हमारे 44 साउंड होते हैं बेटा,
इंग्लिश में कितने साउंड होते हैं बेटा? 44 साउंड होते हैं जी। साउंड की बात की है मैंने जी, और इन साउंड को आप जी, इस साउंड की बात कर रहा हूं, एक मिनट बच्चों, हाँ कितने साउंड है हमारे? 44 साउंड बेटा, और इन साउंड को आप डिवाइड कर सकते हैं 20 वाउल्स और 24 कॉन्सोनेंट्स में जी। बिल्कुल हाँ, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 44 कैसे? बिल्कुल होते हैं मेरे बच्चे जी, इंग्लिश में जो साउंड है बेटा वो हमारे 44 होते हैं। केवीएस में लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट वी हैव, कॉन्सोनेंट साउंड वी हैव इन इंग्लिश जी। इंग्लिश की जो भाषा है उसके अंदर हमारे 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आप केवीएस का लास्ट टाइम का एग्जाम देखेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। वहां पर उन्होंने लेटर नहीं पूछे थे, वहां पर उन्होंने क्या पूछ लिया था? साउंड। तो साउंड इंग्लिश में 24 होते हैं, साउंड जो है हमारे कितने होते हैं? 44 होते हैं, जिनमें से 20 वाउल्स हैं, 24 कॉन्सोनेंट है। ठीक है, चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर यहां तक? चलो अब हम थोड़ा सा इस सेगमेंट्स में आ जाते हैं मोर्फोलॉजी वाले में। अच्छा कोई मुझे बताएगा, हाँ अगला कॉन्सेप्ट ले लेता हूं मैं, कोई मुझे बताएगा इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं जी? मैं चेक करना चाहता हूं इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं जी। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, एक बच्चा लिख रहा है सर ऑर्डर मत दीजिए, रिक्वेस्ट करिए। बेटा शिक्षक हूं, टीचर हूं और आप सब मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो बताइए मुझे इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? अच्छा देखो सभी का आंसर आया मेरे बच्चे 26। कितना आया मेरे बच्चे? 26 आया। अच्छा सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, अल्फाबेट का मीनिंग क्या होता है? अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है मेरे बच्चे? इवन अगर आप चेक करेंगे तो अब 6 क्लास की सीबीएसई की किताब को भी उठाएंगे तो सीबीएसई ने भी इतना अच्छा स्टैंडर्ड कर दिया है किताबों का कि बच्चों अल्फाबेट कब से 26 होने लगे जी। जितने भी बच्चे 26 लिख रहे हैं, मेरा उनसे एक सवाल है, अल्फाबेट का मतलब होता है सेट ऑफ लेटर्स जी, क्योंकि अल्फाबेट क्या है? वो एक सेट ऑफ लेटर्स है। क्या है? सेट ऑफ लेटर्स है। तो मेरे बच्चे अल्फाबेट होते हैं एक जी, लेटर्स हमारे होते हैं 26। इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं बेटा, अल्फाबेट तो एक ही होता है क्योंकि अल्फाबेट क्या है? सेट ऑफ लेटर्स है। अल्फाबेट क्या है मेरे बच्चे? सेट ऑफ लेटर्स है। उस पूरे ग्रुप को अल्फाबेट कहा जाता है जी। बताइए मुझे, हाँ जी हाँ, काफी सारे बच्चों के आप देखो सबके सही होने लगे बच्चों। बिल्कुल लेटर्स जो होते हैं, ये स्टडी पॉइंट इन्होंने भी लिखा है देखो जी, 26 अल्फाबेट जितने भी बच्चे लिख रहे हैं, इसमें से एक बच्ची ने लिखा है सर कैसे होते हैं 26 जी। बिल्कुल बेटा, अल्फाबेट का मतलब क्या है? वर्णमाला। अब वर्णमाला तो एक भाषा की एक ही होगी ना, क्या इंग्लिश के 26 वर्णमालाएं हो सकती हैं? अब बताइए मुझे आप जी। अल्फाबेट तो हमारा बेटा इंग्लिश का भी एक ही है, हिंदी का भी एक ही होता है बेटा। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और अल्फाबेट तो कंप्लीट एक ग्रुप है। ये क्या है? सेट ऑफ लेटर्स है विच इज यूज्ड टू मेक एनी लैंग्वेज, यानी कि किसी भी भाषा का जिन लेटर्स से इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो गुजराती है, चाहे वो मेरे बच्चे इंग्लिश है, कोई भी है बच्चों। तो अल्फाबेट हिंदी में भी तो एक ही है बेटा, उसके वर्ण ही तो अलग है ना। तो वर्णमाला तो एक है बच्चों, लेटर्स उसके 26 हैं। तो आज के बाद अल्फाबेट को 26 मत बोलना बेटा। आप क्या बोलेंगे कि सर अल्फाबेट इज 1 एंड लेटर्स आर 26 जी। बताओ बच्चों यहां तक समझ में आया जी?
जी देखो बेटा, हाँ बिल्कुल, स्टडी सर है कोई, स्टडी पॉइंट वाले स्टूडेंट है कोई, वो बोल रहे हैं कि सर एक्सप्लेन कर दो और सबको समझ आ जाएगा। बिल्कुल बेटा, मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, अल्फाबेट का मतलब, अल्फाबेट आप देखिए, मैं लिख के दिखाता हूं। अगर आपने ए बी सी डी इसको कंप्लीट लिखा है तो बेटा ये पूरा का पूरा क्या है, ये सेट ऑफ लेटर्स है, ये अल्फाबेट का ग्रुप है पूरा का पूरा। अच्छा, अब मैंने ये लिख दिया ऐसे ए बी, तो मैं इन दोनों को क्या बोलूंगा, मैं अल्फाबेट बोलूंगा या लेटर्स बोलूंगा मैं इनको जी, तो मैं इन्हें बोलू, ये हैं बेटा मेरे लेटर्स जी। लेटर्स का मतलब होता है वर्ण। अगर आप मोफोलॉजी में क्वेश्चंस भी पूछा गया है, अगर आप में से किसी ने डीएसएसबी का पेपर दिया हो, तो किस जो भी लैंग्वेज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी, वो क्या है, मॉर्फीम ही होती है, इसे हम मॉर्फीम भी बोलते हैं। जितने हमारे लेटर्स हैं बेटे, इसे हम मॉर्फीम भी बोलते हैं। चलो मैं इसको एक बार दोबारा लेता हूं, आ जाओ देखो, दोबारा लेते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि अल्फाबेट वन, नॉट 26 जी, क्योंकि अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है, भाषाएं। इससे एक बार, इससे एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है जी। अगर जैसे मुझे पांच भाषाएं आती हैं, तो मुझे पांच अल्फाबेट्स आते हैं बच्चों जी, एक भाषा का एक ही अल्फाबेट होगा जी। लेटर्स जो होंगे उसके बच्चे जी, लेटर्स जो होंगे उसके होते हैं बच्चे वो 26। इंग्लिश के जो लेटर्स हैं वो क्या है बच्चे, हमारे 26 हैं। तो आज के बाद आप अल्फाबेट को 26 मत बताना बेटा जी, ठीक है, आप समझ में आ गए यहां तक, जल्दी बताओ बेटा। तो अल्फाबेट कितने बताओगे इंग्लिश के, एक, और लेटर्स कितने बताओगे आज के बाद, 26। ठीक है चलो बेटा, अब हम इसे आगे बढ़े, एक बार डन करिए सब लोग, ठीक है, क्लियर बेटा। चलो अब देखो बेटा, अब हम भाषा की तरफ जा रहे हैं, पूरी ग्रामर्स की तरफ जाएंगे, पूरा ग्रामर के कॉन्सेप्ट से सब कुछ करेंगे। चलो अब देखो, उसके बाद में आप क्या करते हो, ये जो लेटर्स होते हैं हमारे 26 लेटर, ये दो तरह के लेटर होते हैं बेटा, कैपिटल लेटर्स, ठीक है, और बेटा स्मॉल लेटर्स, ठीक है, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी जेड तक। अब ये मैंने कैपिटल और स्मॉल लेटर क्यों लिखवा रहा हूं वो समझो आप, ए बी सी डी ई जेड तक, उसके पीछे कारण है बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में, इवन एसएससी में भी आए हुए हैं, कैपिटल लेटर की भी एरर दे रखी थी जी, अभी वो समझेंगे बच्चों। क्योंकि कैपिटल लेटर्स जितने भी होते हैं मेरे बच्चे, ये सब का इस्तेमाल करते हैं हम अपर केस में, जैसे ये आपकी चार लाइन होती हैं इंग्लिश की बुक में, तो जो कैपिटल होता है बेटा वो ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, इसे बोलते हैं हम अपर केस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, अपर केस। और जितने भी स्मॉल लेटर्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, स्मॉल लेटर्स होते हैं, उन्हें हम लिखते हैं लोअर केस की तरफ बच्चों। हाँ एक मिनट बच्चे जी, जैसे कि ए मिड में, बी सी डी, अब अगर आप एफ को लाएंगे तो एफ नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, कैपिटल लेटर हमारे किस में जा रहे हैं, अपर केस में, ठीक है। ए बी सी डी ई ये लो, एफ को लेंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा वो सीधा सीधा से हमारा, ठीक है। तो कैपिटल लेटर किस में जा रहे हैं हमारे, अपर केस में, और स्मॉल लेटर किस में जाएंगे बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, हमने इन लेटर्स को दो पार्टों में और डिवाइड किया,
जी, जिसमें से सबसे पहला पार्ट आता है बच्चों वाउल्स का और दूसरा पार्ट आता है बच्चों इसका कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट्स में बच्चों ए ई आई ओ यू, ठीक है, और बच्चों बाकी बी सी डी एफ जी बाकी कॉन्सेप्ट जेड तक, ये हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो हमारे पास में जो वाउल्स हैं वो हैं बच्चे पांच, कितने बच्चे हमारे पांच, ठीक है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट है हमारे 21। अच्छा कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, जल्दी बताओ। हाँ भाई, वाउल्स में और कॉन्सोनेंट में क्या फर्क होता है जल्दी बताओ। जी वाउल्स में और कॉन्सोनेंट में क्या फर्क होता है मेरे बच्चे, जी जल्दी बताओ, वाउल्स में और कॉन्सोनेंट में क्या फर्क होता है, जल्दी बताओ। जी हाँ, कुछ बच्चे हैं जिनका आंसर सही भी आ रहा है। देखो बेटा, वाउल्स और कॉन्सोनेंट में जो बेसिक फर्क है, बहुत छोटा सा फर्क है बच्चों, कि वाउल्स वाउल्स आर अटर्ड बाय इट्सेल्फ। जी आप अपने किसी भी वाउल को खुद प्रोनंस कर सकते हैं, ए ई आई ओ यू, वाउल्स आर प्रोनंस्ड फ्रीली, वाउल्स आर अटर्ड बाय इट्सेल्फ, जबकि जो कॉन्सोनेंट हैं, जी जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, आप किसी भी कॉन्सोनेंट को ले लीजिए, कॉन्सोनेंट्स आर नॉट अटर्ड बाय इट्सेल्फ। जी कॉन्सोनेंट आर नॉट अटर्ड बाय इट्सेल्फ बच्चों, आप कोई भी कॉन्सोनेंट उठा लीजिए, कभी भी अपना साउंड खुद नहीं बना पाता, लेकिन वाउल्स क्या है, अपना साउंड क्लियर। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वाउल्स आर प्रोनाउंस्ड फ्रीली, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि वाउल्स आर फ्रीली टुवर्ड्स आउटसाइड, और जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं दे आर प्रोनाउंस्ड टुवर्ड्स इनसाइड। जी क्योंकि ये हमारा वोकल कोड होता है बच्चे, ये साउंड को प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है, इस वोकल कोड से ही हमारे सारे साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो जो वो वाउल्स हैं हमारे, अब जैसे मैं देखो ए ई आई ओ यू, क्या मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई, अपना साउंड खुद लिया मैंने वाउल्स के थ्रू, वाउल्स ने अपना साउंड खुद लिया, लेकिन कॉन्सोनेंट को देखो बी सी डी एफ, मींस खुद का साउंड नहीं क्रिएट कर पा रहा, लेकिन क्या ले रहा है वो, कभी अपर जॉर्जन्स का, लोअर जॉर्जन्स का, मींस कभी टीथ का, कभी माउथ का एक्सप्रेशन, उसमें क्या ले रहा है बेटा, वो हेल्प ले रहा है बच्चों, वो खुद साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है बच्चों, कि वाउल्स आर अटर्ड बाय इट्सेल्फ एंड कॉन्सोनेंट्स आर नॉट अटर्ड बाय इट्सेल्फ। बच्चों यहां तक समझ में आया, जी जी बेटा आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ो बच्चों, क्लियर, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलो अब चलो ठीक। अब देखो हमने वाउल्स तक समझ में आ गया है, क्लियर, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो हमारे वाउल्स थे ए ई आई ओ यू, क्लियर, अब बड़ा बड़ा समझ में आ रहा है, बच्चे कह रहे सर छोटा लिख रहा हूं मैं, ठीक है आपके बड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, ये सब क्या है हमारे वाउल्स हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में आपने एक चीज समझ ली कि भाई वाउल्स जितने भी हैं वो अपना साउंड खुद क्रिएट करते हैं, कि भाई वो दे आर प्रोनाउंस
दे आर अटर्ड फ्रीली बच्चों, कि भाई वो सीधे सीधे साउंड है उतना भाई फ्रीली प्रोनाउंस कर रहे हैं बच्चों। अब इनसे एक चीज और हमें सीखनी होगी, आगे जो कॉन्सेप्ट ले लेते हैं ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा, जब हम देखो हमने कहां से स्टार्ट किया बेटा, अल्फाबेट से स्टार्ट किया। किससे स्टार्ट किया हमने बच्चों? अल्फाबेट से हमने उसको स्टार्ट किया। अल्फाबेट के बाद में हमने किस पे आए? हम लेटर्स पे आए। लेटर्स को हमने किस पार्ट में डिवाइड किया बेटा? दो पार्ट में, वाउल्स में और कॉन्सोनेंट्स में ठीक है। जब आप वाउल्स और कॉन्सोनेंट से आगे बढ़ेंगे तो जो अगला कॉन्सेप्ट आता है बच्चों वो आएगा हमारा किसका बेटे? वर्ड का जी। यानी कि अब हम भाषा में किसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं? वर्ड का बच्चों। वर्ड का मतलब होता है क्या? शब्द जी, क्योंकि अब हम वर्ड बनाने वाले हैं, शब्द बनाने वाले हैं। तो अब इसमें एक चीज समझनी होगी बच्चों, शब्द की डेफिनेशन क्या होती है? अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स ठीक है, हैविंग मीनिंग। क्या होना चाहिए बच्चे? मीनिंग होना चाहिए उसका। क्या होना चाहिए बेटा? मीनिंग होना चाहिए, हैविंग मीनिंग, हैविंग मीनिंग ठीक है, इज कॉल्ड अ वर्ड। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? एक शब्द कहा जाता है उसे, कोई भी सेगमेंट। यानी कि अब आप अभी तक आपने सीखा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। नहीं, एक सिंगल लेटर भी वर्ड बनाता है जी। अ सिंगल लेटर ऑल्सो कैन बी अ वर्ड। जरूरी नहीं है कि भाई सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स होंगे जो ही वही वर्ड बनाएंगे जी। सीनियर बच्चे देखो, इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो जी बिल्कुल इज कॉल्ड वर्ड्स, बिल्कुल सही बात है सर। आगे बढ़ते हैं, उसे एक शब्द कहते हैं, कोई भी एक शब्द हो सकता है बच्चों। जैसे देखो अब आपके दिमाग में बात आ रही है कि सर ए और यानी कि अ लेटर से कैसे हो सकता है एक सिंगल? बिल्कुल मेरे बच्चे, ए का मतलब होता है एक और आई का मतलब होता है मेरा बच्चे मैं। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये दोनों वर्ड नहीं है, ए और आई जी? ये दोनों बेटा वाउल भी हैं, ये दोनों वर्ड भी हैं। ये दोनों क्या है मेरे बच्चे? वाउल का भी काम कर रहे हैं, ये दोनों लेटर का भी काम करते हैं और ये दोनों वर्ड का भी काम करते हैं। किसका काम करते हैं बच्चे ये, जल्दी बताओ जी? ठीक है सर, क्लियर बच्चों? ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। क्लियर बेटा? चलो, तो ये दोनों क्या है मेरे बच्चे? ये दोनों लेटर भी हैं, ये दोनों वर्ड भी हैं और ये दोनों वाउल का भी काम कर रहे हैं। तो हमने एक नॉर्मल सा सेगमेंट लिया। इसके अलावा आप कोई भी वर्ड लिखेंगे फॉर्मेशंस के अंदर, कुछ भी, नाउन, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ठीक है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन कंजंक्शन इंटरजंक्शन इंटरजेक्शन ईटीसी, ये जितने भी हैं बच्चों, चाहे वो हमारे कुछ भी हैं, जिसका भी कुछ ना कुछ अपना मीनिंग है बच्चों। जिस भी वर्ड का क्या है मेरे बच्चे? कुछ ना कुछ जी। ठीक है बच्चे, क्लियर बेटा? यहां तक समझ में आ गया बेटा? हाँ बिल्कुल बच्चे, प्रेपोजिशन भी है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। वो तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया मेरे बच्चे, मैंने पूरा इवन इसके अंदर हमारा एंटोनियम, सिनोनियम्स, होमोफोन्स, होमोनेम्स, एक्रोनॉमी,
फिगर ऑफ स्पीच, सब कुछ हमारा क्या है बच्चे, वो टाइप्स ऑफ वर्ड कहलाता है। वो सब कुछ हमारा क्या है, वर्ड है। वो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, वो हमारा वर्ड होते हैं। जो भी ऐसा कोई भी एक लेटर या शब्द, कोई भी किसका बच्चों, ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका अपना एक मीनिंग है, वो एक वर्ड कहलाता है। और जिस दिन मैं आपको वर्ड फॉर्मेशन की क्लास कराऊंगा बेटा, तो वर्ड फॉर्मेशन की क्लास में हम सीखेंगे कि हम रूट से कैसे वर्ड को बनाते हैं बच्चे। उसके साथ में हमें फिर वर्ड फॉर्मेशन में सीखना पड़ेगा सफिक्स, प्रीफिक्स और एक और होता है इनफिक्स बच्चों। उसकी क्लास में अलग से कराऊंगा आपको। अभी हम ग्रामर वाले कॉन्सेप्ट्स पे जा रहे हैं, बेसिक वाले कॉन्सेप्ट्स पे जा रहे हैं, तो इसलिए हम उसको आगे नहीं ले रहे, ठीक है। तो हमने वर्ड कर लिया, उसके बाद में बच्चों वर्ड के बाद में जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा, वो आता है हमारा बच्चों फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। भाई भाषा तक पहुंचेंगे हम, देखो बेटा हमने अल्फाबेट से स्टार्ट किया, अल्फाबेट को हमने डिवाइड किया वाउल और कॉन्सोनेंट्स में, उसके बाद में हमने वर्ड का निर्माण किया। वर्ड को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो फिर हम अगले कॉन्सेप्ट्स में आएंगे बच्चों। यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ, ठीक है। चलो तो अब फ्रेज का मतलब क्या होता है, फ्रेज का मतलब होता है बच्चों वाक्यांश, यानी कि वाक्य का अंश। क्या यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? जी क्लियर, ठीक है बेटा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा जल्दी पढ़ाया करो, कोई नहीं बच्चों, एक बार आज अभी हम कर रहे हैं, आगे से हो सकता है टाइम को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो वाक्यांश, अब इसमें हमें समझना पड़ेगा कि हम इसको कैसे, देखो अब वाक्यांश का मतलब होता है अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, एक शब्दों का समूह। क्या बच्चे? एक शब्दों का समूह, ठीक है, विच मेक्स सेंस बट नॉट, विच मेक्स अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। जी, जो एक मतलब तो बनाता है मेरे बच्चे, लेकिन उसका अपना कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं होता है। तो ऐसे कोई भी शब्दों के ग्रुप जो अपना एक सेंस निकाल रहे हैं लेकिन उनका एक कंप्लीट सेंस नहीं है, उसे हम कहते हैं फ्रेज। उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? फ्रेज कहते हैं बच्चों। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ऑन द रूफ, ठीक है, हाँ, ऑन द रूफ। अब देखो ऑन द रूफ का मतलब है छत पर। ऑन द रूफ का क्या मतलब बेटा? छत पर। क्या मैं इसे कहीं पर भी अकेला इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं इसका कहीं पे भी अकेला, जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है बच्चों दिन दहाड़े। मींस मीनिंग तो है, क्या है मेरे बच्चे? जी ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, पीडीएफ भी सेंड करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पीडीएफ भी सेंड कर दे, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, इसी का बना के, ठीक है ना। चलो अब यहां तक समझ में आ गया बेटा कि फ्रेज जो है, फ्रेज किसका काम कर रहा है भाई? फ्रेज के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर आप देखेंगे तो फ्रेज क्या है, जैसे हमने वर्ड का निर्माण किया था, वर्ड से मिला, शब्दों को हमने आपस में जोड़ा तो मीनिंगफुल बना ना, तो मीनिंगफुल बना वो, तो जब वो मीनिंगफुल तो है लेकिन उसका अपना एक कंप्लीट सेंस नहीं है, इसीलिए उसको फ्रेज कहा जाता है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है बच्चे? फ्रेज कहा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने, समझो बेटे, जैसे मैंने बोला रीना इज, कौन है रीना बताओ, रीना के एग्जांपल्स के बारे में कुछ भी, रीना इज द मॉनिटर, कौन बच्चे? मॉनिटर ऑफ द क्लास।
आप समझो, ये तो कंप्लीट एक सेंटेंस है, यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां पर खत्म हुआ है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताओ मॉनिटर ऑफ द क्लास क्या है, हाँ बेटा जी, तो मॉनिटर ऑफ द क्लास क्या है, किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताओ बेटा कि मॉनिटर ऑफ द क्लास क्या है, तो बेटा मॉनिटर ऑफ द क्लास का मतलब हुआ क्लास की मॉनिटर। लेकिन ये क्या ये एक कंप्लीट सेंस दे पा रहा है? नहीं। मैं इसे क्या कहीं पे भी अकेला इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये मीनिंगफुल तब होगा, ये सेंसफुल तब है जब ये सेंटेंस में जुड़ा। जब तक ये सेंटेंस में नहीं जुड़ा है इसका कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ मीनिंग है लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं है बच्चों। सीधा सा कॉन्सेप्ट है इसका। अब जैसे मैंने बोला यू आर सिटिंग, जी यू आर सिटिंग इन अ चेयर। अच्छा इसके अंदर बताओ इन अ चेयर क्या है, जी इन अ चेयर क्या कहोगे आप इसको? इन अ चेयर, एक वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, तीन वर्ड मिलकर चेयर में, हल्का सा मीनिंग है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। क्या नहीं है मेरे बच्चे? कंप्लीट सेंस नहीं है। तो ऐसे शब्द, जी ऐसे ऐसे शब्द जिनका मीनिंग तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे क्या मेरे बच्चे? ग्रुप ऑफ, जी ऐसे, जी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या है, ग्रुप में है, मीनिंग तो है, जी तो सीधा सीधा सा है कि भाई आप उसको इस सेगमेंट्स में यूज कर सकते हैं। बेटा अब एक और चीज मैं बता देता हूं कि एक बच्चा लिख रहा है कि सर यू आर सिटिंग इन अ चेयर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा, यू आर सिटिंग इन द चेयर भी हो सकता है, जी हाँ ये हल्का सा, हाँ इन अ चेयर होगा बेटा ये, ठीक है वो राइटिंग में हल्का सा हो गया बच्चों। हाँ यू आर सिटिंग इन अ चेयर बच्चों बिल्कुल लिखा जा सकता है बेटा, जी यू आर सिटिंग ऑन द चेयर भी लिखा जा सकता है बेटा, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है ये आर्टिकल है वो उसमें हम समझेंगे। अगला ले लिया हमने एक और एग्जाम्पल, ठीक है नॉर्मल से उसके अंदर एक और ले लेते हैं। जैसे हमने कहा He is very honest. अच्छा तो इसमें very honest क्या हुआ? ये भी तो phrase बना। तो phrase जो है वो हम उस हिस्से को sentence के को बोलते हैं, उस group of words को बोलते हैं जो कभी भी अपना complete sense नहीं बनाता है अपने दम पे बच्चों। Clear? ठीक है तो वो सारी चीजें हमारी कहलाती है बच्चों phrase कहलाती है। क्या कहलाती है? Phrase कहलाती है। हाँ जी मीनिंग विदाउट कंप्लीट सेंस, जी बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही कहा कि मीनिंग विदाउट सेंस, कि भैया मीनिंग किसके बिना? बिना सेंस के। मीनिंग तो दे रहा है वो लेकिन कंप्लीट सेंस उसका नहीं है, इसकी एक कंडीशन और होती है बेटा। कभी भी फ्रेज डजंट हैव, ठीक है, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सब जी फ्रेज का कभी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है, फ्रेज कभी भी कंटेन नहीं करता है क्या मेरे बच्चे? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कभी भी कंटेन नहीं करता है फ्रेज में, आपको कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिलेगी बच्चों। आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि फ्रेज के अंदर आपको कभी भी क्या नहीं मिलेगा? नो जी सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, जी ठीक है कि फ्रेज कभी भी अपने साथ में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं लेता। अभी हम सीखेंगे फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, जीरेंड क्या होता है, वो सब चीजें अभी हम इसमें सीखेंगे बच्चों। यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बताओ, बोलो जल्दी, ठीक है यहां तक समझ में आ गया बेटा? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, बोलो जल्दी थम करो, यहां तक समझ में आ गया बेटा? ठीक है
क्लियर बेटा यहां तक? क्लियर बेटा? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो सर। अब देखिए, अब हमने देखो बच्चों अल्फाबेट से स्टार्ट किया, बेसिक से। बिल्कुल देखो ये सब चीजें आपके काम आएंगे जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे, वहां पे सब चीज काम आती है बच्चों। अल्फाबेट से हमने स्टार्ट किया था, तो आज के बाद इंग्लिश में कितने अल्फाबेट? 1। लेटर्स कितने हमारे? 26। उन्हीं लेटर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया बच्चे, वाउल्स में और कॉन्सोनेंट्स में। उन्हीं में से हमारे दो निकल कर वर्ड आए, ए और आई। ए और आई हमारे वाउल भी हैं, ए और आई हमारे वर्ड भी हैं, यानी कि सबसे जो छोटा है उस सेगमेंट्स में हमने बच्चों। उसके बाद में हमने फ्रेज को सीखा कि भी फ्रेज क्या होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो उसके बाद में जो अगली कंडीशन हम लेकर आ रहे हैं बच्चों, वो हम लेकर आ रहे हैं सेंटेंस। हाँ समझो, क्लॉज सेंटेंस के बाद में समझाऊंगा जी। सेंटेंस और क्लॉज में फर्क होता है बच्चों जी। सेंटेंस और क्लॉज, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य जी। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस किसे कहते हैं, क्या चीज सेंटेंस होती है, किस चीज को सेंटेंस कहा जाता है, और कौन कौन से सेगमेंट्स हमारे सेंटेंस कहलाते हैं बच्चों। देखो बेटा अभी तक हमने फ्रेज में देखा था, फ्रेज क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स मीनिंग बट विदाउट कंप्लीट सेंस, ठीक है। अब हम सेंटेंस की बात कर लेते हैं बच्चों। सेंटेंस का मतलब होता है अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट जी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स मीनिंग by that makes meaning by itself जी, जो अपना खुद का मीनिंग निकाल सकता है बेटा। हाँ जी, जो क्या कर सकता है बच्चे, अपना खुद का मीनिंग निकाल सकता है, by meaning by itself, ठीक है। in a प्रॉपर ऑर्डर, और मीनिंगफुल कब होगा बच्चे, वो जब वो प्रॉपर ऑर्डर में होगा, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में होगा। किसमें होगा बच्चे? प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में होगा। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, सर आपने यहां पर एक चीज लिख दी अ वर्ड, क्या एक सिंगल वर्ड भी सेंटेंस बना सकता है? जी बिल्कुल बना सकता है। देखो इससे मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे जी, बताइए ये लास्ट एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्या है? हा जी, वो क्या है बेटा यहां पे, जल्दी बताओ बेटा, वो क्या है यहां पर? वर्ड है, वर्ब है, सेंटेंस है, क्या है बच्चों ये यहां पर बताओ जल्दी बताओ बेटा, जल्दी आंसर दो जल्दी भी। हाँ बेटा आंसर नहीं आ रहे किसी के भी, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं वर्ब, बहुत अच्छी बात है, बताइए जल्दी यहां पर गो क्या है ये बता दो आप मुझे सिर्फ। ठीक है बेटा ठीक है, जल्दी बताइए जी। कुछ बच्चों के आंसर आ रहा है कि जो यहां पर गो है ये एक क्या है बच्चों, वर्ब है जी जी। अब देखो संध्या जी का आंसर आया सेंटेंस, बहुत अच्छी बात है। अगर आप में से किसी ने भी लास्ट टाइम का डीएसएसबी का एग्जाम दिया होगा तो उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा ये यहां पर सेंटेंस है जी, ये यहां पर क्या है मेरे बच्चे, सेंटेंस है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गो के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, गो के बाद क्या लगा हुआ है मेरे बच्चे, फुल स्टॉप लगा हुआ है बच्चों जी, बिल्कुल मेरे बच्चे। अच्छा एक बच्ची कह रही है सर वर्ड भी है, बिल्कुल मेरे बच्चे, मैंने कब कहा आपसे कि वर्ड नहीं है, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो वहां पर चार ऑप्शन दिए थे, वर्ब है, वर्ड है, सेंटेंस है। मेरे बच्चे ये सेंटेंस है जी, ये जो है मेरे बच्चे ये सेंटेंस है, सही आंसर है इसका बेटा सेंटेंस जी।
अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है सर ये कौन सा सेंटेंस है। जी बच्चे ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये हमारा बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है जी ये मेरे बच्चे इंपेरेटिव सेंटेंस। एक बच्चा बोल रहा है कि वर्ब क्यों नहीं है, काम हो रहा है। अरे मेरे बच्चे आप एक चीज समझो, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो मेरे भाई। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि भाई एक चीज समझो, सेंटेंस की बेसिक डेफिनेशन होती है, सेंटेंस का एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि एवरी सेंटेंस। बच्चों को लगता है सर ये स्मॉल और कैपिटल क्यों कराते हो, देखो आप समझ में आएगा तुम्हें स्मॉल और कैपिटल क्यों करवाया गया। आ जाइए, एवरी सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जी कोई भी सेंटेंस होता है वो हमेशा मेरे बच्चे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल। जी जी बेटा कोई भी जो सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, कोई भी सेंटेंस, ठीक है। और हर सेंटेंस, एवरी सेंटेंस एंड्स विद विद अ फुल स्टॉप। जी कोई भी सेंटेंस फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन मार्क से, ठीक है क्वेश्चन मार्क से, और जी फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से, और एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म होता है बच्चों कोई भी सेंटेंस। मैंने आपने मेरी भाषा नहीं समझी, आपने मेरी डेफिनेशन नहीं समझी कि अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स मीनिंग बाय इटसेल्फ इन अ प्रॉपर ऑर्डर। जी इसका मतलब है कि एक सिंगल वर्ड भी सेंटेंस बना सकता है। हाय, हेलो, वेलकम, गो, टेल, ओपन, मीनिंगफुल है, सेंसफुल है बच्चों। तो याद रखिए कि हर सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप पे खत्म होता है, क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है, इंटर एक्सक्लेमेशन मार्क्स पे खत्म होता है बच्चों। तो यहां पर वही हुआ है, वो कैपिटल से स्टार्ट हुआ है और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट यू होता है जो छुपा रहता है, जो कि हिडन रहता है, जो कि क्या रहता है मेरे बच्चे, हिडन रहता है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमारा यू है लेकिन वो क्या है, छुपा हुआ है। जी इसीलिए ये एक सेंटेंस है, ये क्या है मेरे बच्चे, सेंटेंस है सर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ये समझ में आया बच्चे जी। तो आप सिर्फ इसे ये भी समझ सकते हैं कि एक सिंगल वर्ड भी सेंटेंस बनाता है बच्चों। चलो अब इसको और कर लेते हैं, जैसे हमने ये भी सीखा कोई भी सेंटेंस, जैसे अब देखो अगला लिया हमने एग्जांपल, ही हैज अ कार। बिल्कुल बेटा पूरा मीनिंग दे रहा है, प्रॉपर ऑर्डर दे रहा है, प्रॉपर क्या दे रहा है बेटा, ऑर्डर दे रहा है भाई, ही हैज अ कार, उसके पास में गाड़ी है, एक पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है अपने आप से, अलग से उसे किसी की भी मदद की जरूरत तो नहीं पड़ रही है बच्चों। तो कैपिटल से स्टार्ट किया, फुल स्टॉप पे खत्म कर दिया। अभी वो हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन मार्क क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, वो सब कुछ सीखेंगे हम बच्चों, एक एक चीज को सीखेंगे बच्चों। क्लियर यहां तक, चलो अब देखो यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ू, जल्दी बताओ यहां तक समझ में आ गया जी। बिल्कुल बेटा देखो अभी भी बुशरा परवीन लिख रही है, नहीं सर ये वर्ब है मेरे बच्चे, बिल्कुल आपकी बात मैंने मानी, ये वर्ब है लेकिन ये यहां पर एक सेंटेंस है,
जी यहां पर ये सेंटेंस है बच्चों ये, जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है बेटा, राज सिंह लिख रहे हैं आई हैव अ बुक, हो सकता है बिल्कुल हो सकता है बेटा, सेंसफुल है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है आगे बढ़ दो। चलो अब देखो बेटा सेंटेंस के बारे में सीखेंगे कि सेंटेंस में क्या क्या चीज हो सकती है, सेंटेंस में क्या क्या चीजों से चीजें बनती है, क्लियर यहां पे। चलो देखो बेटा हम सेंटेंस क्या करते हैं बच्चों, सेंटेंस हमारा दो चीजों से मिलकर बनता है। अब आपको ये तो पता लगे होगा भाई, एक वर्ड से भी बन सकता है, एक से ज्यादा वर्ड से भी बन सकता है, सब चीजों से बन सकता है। चलो मीनिंगफुल होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होगा तब। तो वो कैसे बच्चों, सेंटेंस को हम बेटा दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, पहला पार्ट सब्जेक्ट, हाँ जी पहला पार्ट इसका बच्चे, हाँ सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट प्रेडिकेट, जी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस के अंदर बच्चों, कोई भी सेंटेंस जो बन रहा है हमारा वो एक सिस्टम से, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपसे, ही हैज अ कार, तो इसके अंदर ही जो है वो सब्जेक्ट है और हैज अ कार जो है वो प्रेडिकेट है, तभी वो मीनिंग में आ रहा है ना, तभी वो सिस्टम में आ रहा है बच्चों, तभी वो किस में आ रहा है बच्चे हमारा, सिस्टम में आ रहा है, तभी वो मीनिंगफुल है। वरना अगर मैं इसको उल्टा पुल्टा कर दूं कोई बात नहीं, एक बच्चा कहता सर क्लास में कोई पागल आएगा उसका इंग्लिश कर दीजिए, नहीं नहीं मेरे बच्चे सब ठीक है करो ठीक है, प्रेडिकेट बिल्कुल बच्चों। अब एक चीज समझिए कि जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है, कोई भी सेंटेंस बच्चों, तो वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक सब्जेक्ट से और एक फिर प्रेडिकेट से। अब हमें इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी, जैसे कि प्रेडिकेट है बेटा, तो प्रेडिकेट को यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर, किसको छोड़कर बेटा, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारा हिस्सा हमारा प्रेडिकेट का कहलाता है, सब्जेक्ट को छोड़कर। चाहे उसमें प्रेडिकेट के अंदर हमारी दो चीजें आती हैं बच्चे, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक क्या आता है बच्चे हमारा, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रेडिकेट के अंदर जो हमारी चीजें आती है वो क्या आती है बच्चे, वर्ब आती है और हमारा क्या आता है बच्चे, ऑब्जेक्ट आता है बिल्कुल। अब समझो इसे और थोड़ा सा खोल लेते हैं, ठीक है हम जैसे इसी कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं आगे, ठीक है ये यहां तक, जैसे और एग्जांपल करा लेता हूं मैं आपको, ही इज, अभी कुछ नहीं अभी नॉर्मल समझेंगे बेटा, ही इज गोइंग टू स्कूल, बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। मैं दो तीन क्वेश्चन लिख रहा हूं, आई हैव सोल्ड माई कार, राम इज अ गुड बॉय, जी बताओ इसमें से क्या क्या सब्जेक्ट है और क्या क्या प्रेडिकेट है, जी जल्दी बताओ बेटा आंसर दो जल्दी जल्दी बताओ, जी जैसे सबसे पहले, चलो आप देखो सबके आंसर देखता हूं मैं, बिल्कुल सबने पहले बोला है ही, जी बिल्कुल इस वाले सेंटेंस में ही इज गोइंग टू स्कूल के अंदर बेटा ही सब्जेक्ट है, ही को छोड़कर बाकी सब कुछ क्या है, प्रेडिकेट है। चलो दूसरे में आ जाओ, आई सब्जेक्ट है, हैव सोल्ड माई कार क्या है, प्रेडिकेट है। इसमें आ जाओ, राम को छोड़कर बाकी सब कुछ क्या है मेरे बच्चे, प्रेडिकेट है, ठीक है सब कुछ छोड़कर सारा बाकी सब चीजें क्या है बेटा, हाँ राम को छोड़कर बाकी सब, राम क्या है, सब्जेक्ट है, इज अ गुड बॉय क्या है बच्चे, वो प्रेडिकेट है। चलो अब इसे और डिटेल में सीखते हैं, क्लियर। चलो
अब ये यहां तक समझ में आ गया, चलो आगे बढ़े बेटा। जी जी आगे बढ़े बेटा, जल्दी बोलो आगे बढ़े। ठीक है बेटा, चलो अब देखो बेटा, हमने एक चीज देखी यहां पर, जब हमारा जो स्ट्रक्चर निकल कर आया, जो हमारा प्रॉपर ऑर्डर निकल कर आया, वो क्या निकल कर आया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है जी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस में बेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा प्रेडिकेट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट बच्चे हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। चलो तो अब हमें एक चीज समझ में आ रही है यहां पर, किसी भी सेंटेंस के अंदर, समझना मेरी बात को, बीच में एक चीज निकल कर आई वर्ब, सबसे पहले हम सब्जेक्ट समझ लेते हैं फिर ऑब्जेक्ट समझेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझने के लिए मेरे बच्चे हमें वर्ब को समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब जो है, वर्ब इज द मदर ऑफ एवरी सेंटेंस, कि वर्ब जो है वो मेरे बच्चे हर सेंटेंस की मां है। जैसे घर में मम्मी की चलती है, किसकी चलती है मेरे बच्चों, मम्मी की चलती है, वैसे ही इंग्लिश में चलती है वर्ब की, किसकी चलती है, वर्ब की चलती है। कौन कौन, किस किसके घर में मम्मी की चलती है बताओ जी, किस किस में चलती है बेटा, हाँ किस किस के, जल्दी बताओ, क्लियर, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, वर्ब क्या है, वर्ब से ही सब्जेक्ट्स को रिलेट करना है, वर्ब से ही ऑब्जेक्ट को रिलेट करना, तभी हमारा सेंटेंस बनेगा, वरना सेंटेंस नहीं बनता है। कि किसी भी सेंटेंस की, आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, उसके अंदर हमारा जो वर्ब है वो हर सेंटेंस की मदर है, कोई भी सेंटेंस। देखो कैसे, क्योंकि वर्ब से ही हमें पता लगेगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन, हमारा ऑब्जेक्ट कौन। जी आपने देखा होगा 90% सब्जेक्ट जो होता है उसे हमने डूअर का दर्जा दिया है, लेकिन हर जगह आप उसको डूअर से नहीं समझ सकते हैं, हर जगह आप उसको डूअर से नहीं समझ सकते हैं बेचारे। हमने ऑब्जेक्ट का जो दर्जा दिया, ऑब्जेक्ट को दर्जा दे रखा है सफरर का, कि भाई पीड़ित व्यक्ति जिसके लिए हमने कुछ काम किया बच्चों। लेकिन ये सब चीजें जो हमें बताती है वो हमारी वर्ब बताती है बच्चों, वर्ब हमें बताती है कि मेरा डूअर कौन, वर्ब हमें बताती है कि मेरा सफरर कौन। जी तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट समझना है, वर्ब समझनी है और ऑब्जेक्ट समझनी है, क्लियर। लेकिन इन सबको समझने के लिए हमें सबसे पहले वर्ब को समझना होगा, कि वर्ब इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एवरी सेंटेंस। कोई भी ऐसा सेंटेंस है हम बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। जी कैसे, देखो अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो यहां पर ये सेंटेंस तो बना लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आया, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सब्जेक्ट बेशक यहां पर हिडन था, सब्जेक्ट बेशक यहां पे क्या था बच्चे, हिडन था, लेकिन सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आ रहा था। तो अकेली वर्ब ने सेंटेंस बनाया था, किसने बनाया था बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस में अकेली वर्ब ने सेंटेंस बनाया था, किसी भी वे के अंदर मीनिंगफुल बनाया था, पूरा सेंटेंस बनाया था बच्चों को, क्लियर है ना। तो ये बात समझ लो, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर इंग्लिश को अच्छे से समझना है, इंग्लिश को अच्छे से सीखना है, तो हमें वर्ब को समझना पड़ेगा। वर्ब ही हमें बताएगी कि मेरा सब्जेक्ट कौन, मेरा ऑब्जेक्ट कौन बच्चों, ठीक है। अब जैसे हम और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि सिंगल वर्ड से। अब देखो अगला एग्जांपल मैंने लिया, आई गो, अब ये सेंटेंस है पूरा या नहीं, जल्दी बताओ, मैं जाता हूं, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है बेटा, हाँ कंप्लीट मीनिंग दे रहा है हमने, यानी कि यहां पर हमने इसको बिना ऑब्जेक्ट के बनाया, किसके बनाया बेटा, हमने इसको बिना ऑब्जेक्ट के भी बनाया। तो अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी मेरे बच्चे, कि हम बिना सब्जेक्ट के भी बना पा रहे हैं, बिना ऑब्जेक्ट के भी बना पा रहे हैं। हमारा जो सेंटेंस है वो किसके बिना नहीं बन रहा है, बिना वर्ब के नहीं बन रहा है बच्चों, किसके बिना नहीं बन रहा है जल्दी बताओ जी, किसके बिना नहीं बना बेटा जी,
बेटा किसके बिना नहीं बना, ठीक है, किसके बिना नहीं बना बच्चे हमारा, बिना वर्ब के नहीं बनाए बच्चों सेंटेंस जी। हालांकि एक्सेप्शंस हैं कुछ सेंटेंस जो बिना वर्ब के भी बन जाते हैं, लेकिन अगर आपको कोई जनरल पूछता है तो भाई हम बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, हमें एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें वर्ब का होना जरूरी है, हमारे पास में किसका होना जरूरी है बच्चे, वर्ब का होना जरूरी है बच्चों। सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास में किसका होना जरूरी है बेटा, वर्ब का होना जरूरी है। चलो अब इसे समझो आप, अब हम इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई सब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे, इसको समझते हैं। मैंने सबसे पहले एक बात रखी आपसे कि भाई सब्जेक्ट जो है वो हमारा डूअर होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, सफरर होता है। भाई मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो मैंने क्या बोला, वर्ब से पूछना है हमें सबसे पहले। और इसमें आपको सबसे पहले एक चीज समझनी होगी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा या तो नाउन होगा या मेरे बच्चे हमेशा हमारा प्रोनाउन होगा जी। सब्जेक्ट भी हमेशा हमारा क्या होता है मेरे बच्चे, नाउन होता है या हमारा मेरे बच्चों प्रोनाउन होता है जी। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा क्या मिलेगा, या तो नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा, तीसरी चीज कुछ भी नहीं मिलेगी आपको बेटा। सब्जेक्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका मींस वर्ब बताती है कि मेरा सब्जेक्ट कौन, वर्ब बताती है मेरा ऑब्जेक्ट कौन, सीधा सा कॉन्सेप्ट। और तरीका, एक और शॉर्ट ट्रिक बच्चों, अगर आपको जैसे मैंने कहा था ना कि डूअर, हर जगह डूअर से नहीं पहचान सकते, हर जगह आप सफरर से ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान सकते, सबसे आसान तरीका, सबसे इजी तरीका, वर्ब से के पास आ जाओ। अगर आपको वर्ब से पहले क्वेश्चन किया, इससे पहले क्वेश्चन किया बेटा आपने, वर्ब से पहले क्वेश्चन किया और आपका सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, दो वर्ड का भी हो सकता है, एक पूरी पूरी लाइन भी सब्जेक्ट का काम करती है बेटा, यानी कि कोई भी एक सिंगल वर्ड भी सब्जेक्ट बन सकता है, दो वर्ड का भी सब्जेक्ट बन सकता है, चार वर्ड का भी सब्जेक्ट बन सकता है बेटा, एक पूरी पूरा क्लॉज भी सब्जेक्ट बन सकता है बच्चों। मीन्स वर्ब से पहले आपको सिर्फ क्वेश्चन करना है और आपका आंसर अगर व्हाट में आया, किसमें आया बेटा, व्हाट में आया या हु में आंसर आया, आपका आंसर किसमें आया बेटा, या तो व्हाट में आंसर आया या हु में आया, चाहे वो एक वर्ड का पार्ट है, चाहे वो दो वर्ड है, चाहे उसमें तीन वर्ड है, चाहे उसमें पूरे चार वर्ड है, चाहे उसमें दस वर्ड है, अगर आपका आंसर किसमें आ रहा है बेटा, व्हाट में और हु में, तो वो चीज आंख बंद करके नाउन बन जाती है। क्या बन जाएगी बेटा, नाउन बन जाएगी या वो प्रोनाउन बन बनेगी। 99% वो नाउन है, उसके बाद में अगर वो दूसरे सेगमेंट्स में तो प्रोनाउन में। ऐसे ही अगर आपको ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, किसको ढूंढना है बेटा, ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, तो आप वर्ब के बाद क्वेश्चन करिए, इसके बाद क्वेश्चन करिए बेटा, वर्ब के बाद क्वेश्चन करिए, और अगर आपका आंसर व्हाट से आया तो हमारा ऑब्जेक्ट होते हैं दो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जी, हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा दो जी। कोई भी, ये चीज मैं आपको इतने डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं बेटा, बाद में आप एक्टिव पैसिव का भी चैप्टर करोगे, बहुत काम आएगा। अभी हम बाद में ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब करेंगे, बहुत काम आएगी ये सब चीजें। तो ये बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए बेटा। व्हाट से जो निकलता है बेटा, हमारा निकलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर आंसर आपका आया हुम से तो आपका निकलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या निकलेगा बच्चे हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल, आई टीच यू, ठीक है, आ न्यू लेसन जी, मैं आपको क्या पढ़ाता हूं बेटा, एक नया लेसन पढ़ाता हूं, तो कुछ मत ढूंढो, आपको सीधे सीधे क्या करना है मेरे बच्चे,
आपको सिर्फ क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना, सिर्फ वर्ब के पास आना है, ये रही वर्ब, कुछ नहीं करना आपको, सीधे सीधे आप किसके पास आ जाएंगे बेटा, वर्ब के पास में। मैंने क्या बोला था, घर मम्मा चलाती है, घर में मम्मी की चलती है, तो इंग्लिश में वर्ब की चलेगी बेटा, वर्ब के पास आए हम, ये रही टीच है बच्चों। मैंने क्या बोला, वर्ब से पहले क्वेश्चन करोगे, वर्ब के बाद क्वेश्चन करोगे, अगर सब्जेक्ट ढूंढना है तो किसी भी सेगमेंट का। कैसे देखो, हू टीचेस, कौन पढ़ाता है बच्चों, हू टीचेस यू अ न्यू लेसन, आंसर क्या है बेटा, आई। आई क्या है, प्रोनाउन। तो मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, मिल गया सब्जेक्ट, क्लियर, मिल गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसके अलावा कभी कोई चीज सब्जेक्ट नहीं होती है। अच्छा अब देखो, ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो मैंने क्या बोला था, वर्ब के बाद क्वेश्चन करो, आई टीच व्हाट, आई टीच व्हाट, मैं पढ़ाता हूं क्या, बताओ इसमें से क्या डायरेक्ट है, अ न्यू लेसन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा का पूरा क्या बना, फ्रेज क्या बना बच्चे, ये क्या बना, नाउन बना। कोई भी चीज, जो भी चीज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तक का काम करेगी वो नाउन होगी या प्रोनाउन होगी। तो ये कौन सा बना हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जी, क्या बना मेरे बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना। जी ये बना बच्चों हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मेरे बच्चे, मैंने बोला फिर दोबारा से, आई टीच टू होम, तुम पढ़ाते हो किसको, तुम पढ़ाते हो किसको, भैया यू, तो यू कौन सा ऑब्जेक्ट निकला बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जी। तो आई यू क्या है बेटा यहां पे, प्रोनाउन जी, सिंपल यहां तक, जल्दी बताओ ये चीज समझ में आई बेटा, हाँ बेटा यहां तक समझ में आ गया बेटा, क्लियर बेटा, यहां तक जल्दी बताओ, ये शॉर्ट ट्रिक काम आई, कुछ भी आ जाए बेटा, कोई भी चीज आपको करनी है, क्लियर यहां तक, जल्दी बताओ जी, बिल्कुल बेटा, होम हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है बेटा, क्लियर। चलो अब हमें यह समझना पड़ेगा कि इसे हम और डिटेल में करें, चलो और ले लेते हैं, अब यह समझ में आ गया, पहले ये बताओ ये वाला पेज समझ में आया, जल्दी भाई ये वाला पेज समझ में आया, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आया बेटा, जल्दी बताओ। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा एक चीज बताता हूं, एक बात हमेशा याद रखो बेटा, कुछ पाना है तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ भी नहीं आएगा बच्चों, ये याद रखना जी। ये बिल्कुल देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कि ये यूपीएससी कंपलसरी के लिए भी है, मेरे बच्चे ये सबके लिए है, जब तक आपको इंग्लिश की बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आप किसी भी चीज को नहीं समझ सकते बेटा, तो ये सब बेसिक्स आप सब लोगों के लिए बेटा, ठीक है। ठीक है बच्चे, वो आगे बढ़ते, चलो यहां तक समझ में आ गया ना, चलो अब ले लेते हैं इसको। अब देखो बेटा एक चीज समझ लो, वॉट ऑल
जी क्लियर, कैन बी अ सब्जेक्ट। व्हाट ऑल का मतलब होता है बच्चे, क्या क्या, क्या क्या चीज हमारी सब्जेक्ट हो सकती है। अब ये याद रखना कि जिस जिस चीज को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट में लेके जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक याद है, वर्ब से पूछो बस, कुछ मत करो। वर्ब से पहले क्वेश्चन किया, अगर आपका आंसर व्हाट में और हु में आया तो वो सब्जेक्ट है, चाहे वो एक वर्ड का है, चाहे वो दो वर्ड का है, चाहे वो मेरे बच्चे तीन वर्ड का है, चाहे वो चार वर्ड का है। अब वही सीखेंगे कि क्या क्या चीज हमारी सब्जेक्ट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चीज हमारी ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। कोई भी चीज, चाहे वो क्लॉज है, चाहे वो फ्रेज है, अगर वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ तो वो याद रखना वो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चे को, वो नाउन बन जाता है। जैसे देखो सबसे, अब एक एक रूल को समझेंगे। चलो सबसे पहला बेटा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या क्या चीजें, कैसे कैसे, सबसे पहला बच्चों, सबसे पहला नाउन एज ए सब्जेक्ट। जी पहला, जैसे राम हैज अ कार, जी राम हैज अ कार बच्चों, तो हैज यहां पर क्या है, मेन वर्ब। भैया हु हैज अ कार, राम, तो राम क्या है हमारा बेटा, नाउन। कैसे इस्तेमाल किया हमने बच्चे उसको, एज ए सब्जेक्ट। कैसे इस्तेमाल किया मेरे बच्चे हमने उसको, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया। अ कार क्या है यहां पे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी क्या होता है हमारा, नाउन या प्रोनाउन। तो राम भी क्या बना बच्चे हमारा, नाउन है राम, ठीक है। तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी नाउन है और ऑब्जेक्ट भी क्या है, नाउन है। जल्दी बताओ इस सब्जेक्ट के अंदर, जी जल्दी बोलो बेटा, क्लियर। हाँ बेटा, कि हम नाउन को सब्जेक्ट के तौर पर या ऑब्जेक्ट के तौर पर दोनों पे इस्तेमाल कर सकते, पहला रूल। दूसरा, प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, बिल्कुल। जैसे देखो, ही, क्लियर, ठीक है, ही टीचेस मी, तो वर्ब पे आ जाओ। एक ही क्वेश्चन, Who teaches? Answer, he. मिल गया सब्जेक्ट, मिल गया सब्जेक्ट बेटा। तो he क्या होता है हमारा, प्रोनाउन। अच्छा, he teaches whom? Me. Answer किस में आया, whom में। तो क्या निकला, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट के तौर पर भी प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी क्या है मेरे बच्चे, प्रोनाउन है। जी यहां पर क्या है मेरे बच्चे, मी क्या है, हुम से आंसर आया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, प्रोनाउन। जी ऑब्जेक्ट क्या है मेरे बच्चे, प्रोनाउन है। जी तो यहां पर सब्जेक्ट, जो जो प्रॉपर्टी हम सब्जेक्ट के लिए लेंगे वो इसी प्रॉपर्टी हम ऑब्जेक्ट के लिए भी लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि सब्जेक्ट भी नाउन होता है और ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। बच्चों सब्जेक्ट भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन रहेगा और ऑब्जेक्ट भी हमेशा क्या रहेगा बच्चे, नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा। इसके अलावा कोई भी चीज हम उसकी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते बच्चों। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर होगी, जल्दी बताओ, क्लियर। आप देखो अगली कंडीशन, तीसरा, जीरन का इस्तेमाल, ठीक है। कैसे बेटा, जीरन का मतलब हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ठीक है। तो जब कभी भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे या एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो वो हमेशा बन जाती है बेटा क्या, नाउन। क्या बन जाती है वो बच्चे, नाउन बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा वो हमारी,
नाउन बन जाती है बच्चों। कैसे? देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो, स्मोकिंग इज, ठीक है, इंजीरियस टू हेल्थ, क्लियर जी, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ बच्चों। अब देखो बेटा, इज यहां पर है मेन वर्ब, तो बेटा व्हाट इज इंजीरियस टू हेल्थ, क्वेश्चन करो। हाँ जी, व्हाट इज इंजीरियस टू हेल्थ, हाँ बेटा, व्हाट इज इंजीरियस टू हेल्थ, जी बेटा, जी बेटा, हाँ तो इसमें बताओ तो आंसर किसमें आया। अच्छा देखो, ये यहां से क्यों करवाया मैंने, क्योंकि टीचरों ने, इंग्लिश के टीचरों ने क्या रटवा दिया कि सब्जेक्ट का मतलब डूअर, ऐसा नहीं होता बेटा, हर जगह आपका सब्जेक्ट का मतलब डूअर नहीं होता है, सब्जेक्ट का मतलब है कि जिसका आंसर व्हाट से भी निकले। अब अगर मैं यहां पर कहूं कि बेटा यहां पर कौन सा डूअर है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ में कौन सा डूअर है, यहां पर किससे निकला बेटा, व्हाट इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो यहां पर स्मोकिंग क्या बना है हमारा सब्जेक्ट, और जब ये सब्जेक्ट बना है तो क्या बन गया, ये नाउन, जी सब्जेक्ट बना तो क्या बना बेटा, ये नाउन बन गया बच्चों, जी क्या बना बेटा, बिल्कुल बेटा, हाँ तो ये यहां पर क्या बन गया बच्चों, ये नाउन है, ठीक है, यहां पर ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है बच्चों, यहां पर ये किसका काम कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है बच्चों, किसका काम कर रहा है बेटा, ये नाउन का काम कर रहा है, बिल्कुल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा, पिछले में हमने कहां तक कर लिया, जी लास्ट हमारा था थ्री, नेक्स्ट है हमारा फोर पॉइंट, जी इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव का इस्तेमाल का मतलब होता है, यानी कि इन्फिनिटिव हमारा होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कुछ में हम बेयर इन्फिनिटिव भी करते हैं जिसमें टू नहीं लगता है बच्चों, वो हम जब इसको डिटेल में हम करेंगे तब वी विल डिस्कस। तो टू इन्फिनिटिव बच्चों, क्या यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव कहते हैं, यानी कि जैसे हमने बोला एग्जाम्पल ले लिया, टू वॉक is good for health, जी अब देखो बेटा, what is good for health, to walk, मैं इसीलिए कहता हूं हर जगह ना डूअर से मत रटो बेटा, हर चीज में क्या है ना, डूअर को मत रटो कि भाई बच्चों को रटवा दिया, नहीं भाई डूअर से सब्जेक्ट आ जाता है, डूअर से सब्जेक्ट आ जाता है, नहीं बच्चों ये जरूरी नहीं है कि हर बार डूअर से सब्जेक्ट आएगा बेटा, हमें वहां पर सीधे सीधे वर्ब के पास आना है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है, इवन यहां पर जो इज है ये मेन वर्ब का काम कर रही है, जी यहां पर ये किसका काम कर रही है बेटा, ये मेन वर्ब का, तो हम वर्ब से पूछेंगे, क्योंकि वर्ब है तो वो अपना सब्जेक्ट लेगी, अपना ऑब्जेक्ट लेगी बच्चों, अगर वर्ब है तो कंफर्म है, क्योंकि बिना वर्ब के आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते। तो उस सेगमेंट्स में मैंने क्वेश्चन किया, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, क्या क्वेश्चन किया बेटा, What is good for health? जी तो what is good for health में, जी what is good for health में आंसर क्या है हमारा, to walk, क्या है बेटा, to walk, तो यहां पर to walk क्या बना, subject, अगर subject बना तो ये क्या बन गया, noun, subject बना तो क्या बना बेटा, ये noun बना, जल्दी जी बेटा यहां तक समझ में आ गया, जी बोलो बेटा एक बार करो जल्दी, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव नाउन बना बच्चों, ये हमारा यहां पर जो इन्फिनिटिव है उसने सब्जेक्ट की तरह काम किया और ये नाउन की तरह काम किया बेटा, और अब इन्फिनिटिव को इसमें ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, अगर हम इसे ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल करना चाहें, जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट टू नो, समझो बिल्कुल, ये अच्छा पूछा बच्चे ने, आई Want to know, इसके अंदर देखो
Who wants I? Subject. Verb. To know क्या है? Object. जी तो यहां पर infinitive क्या बन गई? Object. Object बन गई तो noun. तो जो प्रॉपर्टी आप सब्जेक्ट के लिए इन्फिनेटिव की लगा रहे थे, ऐसे जीरेंट के लिए लगा रहे थे, वो सेम प्रॉपर्टी आपकी, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बताओ. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटा? क्लियर है यहां तक? जल्दी बताओ. ठीक है, तो हम इन्फिनेटिव को भी सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा. क्लियर जी, यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल बेटा. हम फ्रेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जी सब्जेक्ट की तरह पे बेटा. हम क्लॉज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा जी. हम द प्लस एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा द प्लस एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल जी. इसका क्योंकि जब द प्लस एडजेक्टिव आप लगाओगे तो लेकिन वो क्या बन जाता है बेटा? वहां पे नाउन बन जाता है. क्या बन जाता है बेटा? वो वहां पे नाउन बन जाता है. सीधे सीधे से जो है हमारा वहां पे नाउन का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों. मीन्स हम डब्ल्यू एच फैमिली प्लस टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और भी लिखवा देता हूं इसमें, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे भी हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, इसे भी हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल ले लो, वॉट टू डू इज डिफिकल्ट, वॉट टू डू इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड बच्चों. तो बेटा व्हाट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, व्हाट टू डू. ठीक है, तो ये भी यहां पर किसका काम कर रहा है बेटा? सब्जेक्ट का. तो क्या बन गया ये हमारा क्या बना बच्चे? नाउन बन गया बेटा ये भी जी. सीधा सीधा सा हम इसे भी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे बच्चों. ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं कर सकते बच्चों. जैसे मैंने कहा क्लॉज का इस्तेमाल करके, देखो मैंने क्लॉज के लिए बोला ना, एग्जाम्पल दिखाता हूं. वेयर शी लिव्स इज नॉट, वेयर शी लिव्स इज नॉट Known to me. तो बच्चे where she lives यहां पर clause है, लेकिन what is not known to me, what is not known to me बच्चों, where she lives. तो यहां पर ये clause क्या बन गया? Subject. और subject बन गया तो क्या बन गया? वो noun बन गया बच्चों. तो ये सब चीजें, ये सारी चीजें हमारी क्या है बच्चों? हम इन सब चीजों को as a subject भी इस्तेमाल करते हैं, as a concept में भी इस्तेमाल करते हैं बच्चों. क्लियर? जल्दी बताओ यहां तक. बोलो बेटा. जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है, द पुअर आर गेटिंग मोर पुअर एंड पुअर एंड पुअर. सीधा सा कॉन्सेप्ट से बच्चे हमारे उसमें. जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच. लो मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, आप ये समझोगे द प्लस एडजेक्टिव का. द रिच शुड हेल्प द पुअर. तो इसमें ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट. हालांकि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है, ये याद रखना. आप कहीं पे भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बना सकते बेटा. एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन अगर आपने एडजेक्टिव के साथ दा लगा दिया है तो वो एक कॉमन नाउन की तरह काम करने लग जाता है. पीपल की तरह हम उसको इस्तेमाल करते बेटा वहां पर, तो वो प्लूरल बन जाता है. क्या बन जाता है वहां पर? वो प्लूरल. तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो सब्जेक्ट के तौर पे सर.
लेकिन वो भी वहां पर क्या बन जाता है, एज ए नाउन बन जाता है। कोई भी ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल आपने मेरे बच्चों याद रखना सब्जेक्ट की तरह किया और ऑब्जेक्ट की तरह किया, वो या तो नाउन होगी या वो क्या बनेगी बेटा जी, वो क्या बनेगी जल्दी बताओ जी, प्रोनाउन बनेगी। वो क्या बनेगी बच्चों, क्या बनेगी, प्रोनाउन बनेगी बच्चों। चलो क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, जल्दी बताओ। अब थोड़ा सा मैं आज जो हम लोगों ने क्लास में किया है उसी से ही कुछ क्वेश्चंस करूंगा मैं, जल्दी बताओ। जी बेटा समझ में आ गया यहां तक, अब कुछ क्वेश्चंस कर लूं मैं, अब मैं इसे मिटा देता हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, पांच मिनट के लिए हम लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करेंगे नॉर्मल, आज आज यूट्यूब पे ही कर लेते हैं, नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपसे, फिर उसके बाद में हम क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। यहां तक चलो मैं कुछ पूछूं, जल्दी बताओ जी, बताइए इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं जी, जल्दी बताओ जी बेटा, जल्दी बताओ। हाँ, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, वन, बहुत अच्छे। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, अरे ये भैया ये निधि गौतम कहां से हैं, जो ये जो 36 लिख रही हैं, अरे मेरे बच्चे अल्फाबेट एक ही होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स को अल्फाबेट कहते हैं, लेटर्स हमारे मेरे बच्चे 26 होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं 26 होते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा वाउल्स कितने होते हैं, वाउल्स कितने होते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर दो बेटा जी, वाउल्स कितने होते हैं मेरे बच्चे, हाँ वाउल्स कितने होते हैं, पांच, बहुत अच्छी बात बेटा। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, जल्दी बताओ कॉन्सोनेंट कितने हैं जी, क्लियर, बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा फ्रेज में और सेंटेंस में क्या फर्क होता है जी, फ्रेज और सेंटेंस में क्या फर्क होता है बेटा जी, फ्रेज और सेंटेंस में क्या फर्क होता है। चलो बेटा अब देखो, सिर्फ पांच मिनट के लिए लास्ट में एक चीज और सिखा देता हूं, फिर हम इसको एंड करके आगे बढ़ते हैं उसमें, ठीक है। चलो बेटा अब देखो बेटा, सेंटेंस तो अब हमने समझ लिया, सेंटेंस होता है बड़ा पार्ट, सेंटेंस क्या होता है मेरे बच्चे, बड़ा पार्ट होता है, सेंटेंस का ही एक छोटा हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है मेरे बच्चे उपवाक्य जी, दो मिनट के लिए बच्चों बस, उपवाक्य जी, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस और क्लॉज में सिर्फ छोटा सा फर्क होता है बच्चों, छोटा सा फर्क, ज्यादा नहीं। सेंटेंस बड़ा पार्ट है, सेंटेंस में कितने भी क्लॉज आ सकते हैं, दो क्लॉज, तीन क्लॉज, चार क्लॉज, सेंटेंस में फ्रेज भी आ सकता है, सारी चीजें आ सकती हैं। सेंटेंस क्या करता है, कैपिटल से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप तक चलता है। न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना आप लोग, हाँ अच्छा ये बताओ आप में से कितने बच्चे जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बेटा, जल्दी बताओ जी, आप में से कितने बच्चे जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत कितने पढ़ते हैं जी सर, सभी पढ़ते हैं ना, तो आपने देखा होगा जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हो तो एक सेंटेंस कैपिटल से स्टार्ट हो गया, फिर वो चार लाइन तक पांच लाइन तक चलता रहता है जब तक उसके लास्ट में फुल स्टॉप ना आ जाए, क्वेश्चन मार्क ना आ जाए, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन ना आ जाए। तो सेंटेंस बड़ा पार्ट है, क्लॉज उसका एक छोटा हिस्सा होता है। देखो क्या है, होता क्या क्लॉज क्या है, क्लॉज होता है जी, क्लॉज होता है मेरे बच्चों अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस या अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, दैट हैज अ सब्जेक्ट प्लस अ प्रेडिकेट जी, प्रेडिकेट जी, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है हमारा,
सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट बच्चों, सीधा सा दोबारा से एक बार से ठीक है। अब देखो बच्चों होता क्या है बच्चों, मीन्स अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज अ सब्जेक्ट प्लस अ प्रेडिकेट ठीक है, इट कैन बी मीनिंगफुल जी, इट कैन बी, आप समझिए इसको एक सेकेंड, इसको नहीं लिखते इसको नॉर्मल समझ लेते जी। सीधा सा है बच्चों, कोई भी एक सेंटेंस का ऐसा हिस्सा अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज अ सब्जेक्ट प्लस अ प्रेडिकेट बच्चों, ये मीनिंगफुल भी हो सकता, सेंसफुल भी हो सकता है और सेंसलेस भी हो सकता है बेटा। क्लॉज जो है वो एक क्लॉज मीनिंगफुल भी हो सकता है और मीनिंगलेस भी हो सकता है, सेंसलेस भी हो सकता है बच्चों। जबकि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस एक बड़ा पार्ट है। कैसे देखो, अब समझो मेरी बात को, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, मैं एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ कॉस्टली रिस्ट वॉच। बताइए इसमें कितने सेंटेंस और कितने क्लॉज हैं, इसमें जल्दी बताओ बेटा, इसमें कितने सेंटेंस हैं और इसमें कितने क्लॉज हैं। सबसे पहले बेटा सेंटेंस है इसमें एक, कैपिटल से स्टार्ट हुआ और फुल स्टॉप पे खत्म हुआ जी। जी बेटा यहां तक बताओ जल्दी। तो कितने सेंटेंस है इसमें बेटा, एक। अच्छा एक बच्चे ने लिखा है, रितु मिश्रा लिख रही है कि सर एक सेंटेंस है एक क्लॉज है। नहीं मेरे बच्चे, इसमें सेंटेंस एक है और क्लॉज है इसमें दो। अब देखो बेटा दो क्लॉज कैसे हैं। देखो पहला क्लॉज I went to market. पहला क्लॉज I went to market. ठीक है, I bought a costly wristwatch. अब देखो बेटा ये जो bought है इसका सब्जेक्ट कौन है, I ही तो इसका सब्जेक्ट है बेटा। भाई मैं बाजार गया और मैंने वहां से एक कॉस्टली wristwatch खरीदी बच्चों, तो मैंने ही तो खरीदी ना, क्योंकि यहां पर जो एंड है ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है बेटा। ये इसने यहां किसका काम करा, कंजंक्शन का। तो दूसरा क्लॉज देखो इसके अंदर कौन सा है, आई बॉट अ कॉस्टली रिस्ट वॉच जी। तो पहला क्लॉज आई वेंट टू मार्केट, दूसरा क्लॉज आई बॉट अ कॉस्टली रिस्ट वॉच। क्लॉज का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब इसका सब्जेक्ट ये, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। जितनी भी सब्जेक्ट और वर्ब होंगी उतने क्लॉज होते हैं सेंटेंस के अंदर, जितनी भी सब्जेक्ट और वर्ब होंगी उतने ही क्लॉज होते हैं बेटा सेंटेंस के अंदर। इसके अंदर दो सब्जेक्ट, दो जी बेटा, दो सब्जेक्ट हैं, दो फाइनाइट वर्ब हैं। तो क्लॉज कितने इसमें, दो, और सेंटेंस कितने इसमें, एक। क्योंकि सेंटेंस के बारे में क्या कहा था, कैपिटल से स्टार्ट होगा फुल स्टॉप पे खत्म होगा। सेंटेंस क्या लेगा अपने साथ में, फाइनाइट वर्ब लेगा बेटा। तो ये यहां से लेके वहां तक अगर आप देखेंगे तो क्लॉज हमारे इसमें कितने आए बेटा, दो, और सेंटेंस कितने इसमें बेटा, एक। क्लियर? तो आज की क्लास हम करेंगे यहीं तक, और यहां तक समझ में आया जल्दी बताओ सबको। यस बेटा यहां तक समझ में आया, ठीक है, बाकी चीज यहीं से हम आगे करेंगे फिर कल की क्लास में, अगली क्लास में बच्चों। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया, कोई किसी को कोई डाउट है तो बताइए।
जी बेटा क्लियर यहां तक? ठीक है बेटा जी, ओके बेटा, कल फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे, फिर दोबारा से एक नई एनर्जी के साथ में इसी से आगे के कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके चलेंगे। अब एक और चीज मैं बता देता हूं बेटा, एंड नाउ अगेन जस्ट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड वन थिंग आल्सो हियर, दैट ऑल ऑफ यू आर हियर टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, एंड आई एम ऑल्सो टीचिंग यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो प्लीज कोई बच्चा ये ना समझे कि सर आप इतना डेप्थ में क्यों समझा रहे हो। बेटा एक एक चीज क्लियर करेंगे हर उस बच्चे को, क्योंकि हमारे पास में देखो एक चीज बताता हूं बेटा कि एक अच्छे टीचर की पहचान होती है वो बिल्कुल क्लास के लो लेवल के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लेकर चलेगा, क्योंकि क्लास में हर लेवल का बच्चा होता है मेरे बच्चे भाई, जो इंटेलिजेंट है ऑलरेडी हमें उसको भी पढ़ाना है, और जो बेटा बिल्कुल गरीब घर से है और जो बिल्कुल जिसने कभी इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है हमें उस बच्चे को भी लेकर चलना है। तो प्लीज कोई बच्चा ये ना समझे कि नहीं सर तो बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ा रहे, बेटा एक एक चीज क्लियर करूंगा, क्योंकि जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, ठीक है, जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपके अच्छे मार्क्स और जब तक आपका कॉम्प्रिहेंशन का लेवल और जब तक आपके कॉमन एरर का लेवल, जब तक आपके PQRS का लेवल नहीं अच्छा होगा बेटा, हमें एक एक चीज को क्लियर करना है उसमें, ठीक है। थैंक यू, वी विल सी यू टुमारो अगेन, ओके, एट 7 o'clock, थैंक यू, बाय बाय बेटा, बाय।